हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज मैं मूवी रिव्यू करूंगा डी रेंजी फ्लाइंग हेड राक्षसा। दोस्तों, ये एक चाइनीज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है हिंदी में। ये मूवी आपको दोस्तों काफ़ी जगह अवेलेबल हो चुकी है, आप इस फिल्म को आराम से देख सकते हो। अब बात करूंगा क्या इस फिल्म में ऐसा खास कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा। देखो दोस्तों, ये एक हिसाब से दोस्तों एक्शन एडवेंचर फिल्म है। अगर आपने डिटेक्टिव डी की मूवी देख रखी है, चाइनीज मूवीज है, आप जानते हो डिटेक्टिव डी कैसे केस हैंडल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक डिटेक्टिव है, उसको एक केस हैंडल करना है, क्योंकि दोस्तों मतलब आगे एक हिसाब से दोस्तों एक प्रेत आत्मा भूत सा आता है और वो जाके मतलब लोगों को डराने का वगैरह ये काम करता है। अब वो कहाँ से आया है, क्या उस पीछे की मेन कहानी, क्या वो रियल है या कुछ लोग उसको बना रहे हैं, वो इस फिल्म की मेन कहानी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आपको इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं। देखो, देखना इसलिए चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं। जी हाँ, एज ए चाइनीज मूवी लवर स्टोरी छोड़ दो। देखो, डिटेक्टिव डी की 4 से 5 फिल्में बनी, वो सब की सब अच्छी थी, यानी मजा आता देखने के अंदर। यानी उसके अंदर ना तो फालतू के सीन होते हैं ना कुछ होते हैं, आराम से जो बंदा इंजॉयमेंट कर सकता है ना, वो हमें देखने मिलता है। वो मुझे यहाँ भी देखने मिला, यानी मैंने फिल्म देखकर बोर नहीं हुआ। ये वन टाइम वॉचेबल वाली मूवी बन तो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये आपकी फेवरेट जो मूवी थे ना उसमें जुड़ जाएगी। ये सिर्फ वन टाइम वॉचेबल वाली मूवी है जिसे आप आराम से देख सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरा एक छोटा सा क्विक रिव्यू था। अच्छा लगा यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लगे मत अच्छी देखने मिली चैनल पर तो आप इसी में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको दोस्तों छोटे समय के अंदर आपको हर मूवी रिव्यू देखने को मिल जाएगा। कोई मेरी वीडियो 20-20 मिनट की नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। आपको हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, साउथ की सब फिल्मों रिव्यू दोस्तों आपके चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो मिलता अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।